नमस्कार, मैं हूं रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया पे। तो वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर ले। और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी वीडियोस, लाइक ऑल द वीडियोस दैट यू लाइक एंड लव, उन्हें भी प्लीज शेयर करें, थैंक यू। सो मलेशिया में एक वायरल ट्रेंड चल रहा है जिसे लेकर धार्मिक नेताएं बहुत ज्यादा अफेंड हो रहे हैं। जी हाँ, जहां उन्होंने तुरंत जल्द से जल्द इस पर रोक लगाने की भी मांग की है। जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस ट्रेंड को अनबॉक्सिंग बाय हस्बैंड नाम दिया गया है। दरअसल इस ट्रेंड में पति आफ्टर मैरिज अपनी पत्नी को शीशे के सामने खड़ा कर उसके सर पर सजी ज्वेलरी आदि को हटाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बॉक्स को खोला जाता है, इसलिए इसे अनबॉक्सिंग बाय हस्बैंड नाम दिया गया है। जहां एक रिपोर्ट के अनुसार इस महीने की शुरुआत में सामने आया ये वायरल ट्रेंड हो गया है। जहां न्यूली वेड मुस्लिम जोड़े के बीच लोकप्रिय हुए इस ट्रेंड में पति और पत्नी अपनी वेडिंग नाइट के दिन शीशे के सामने खड़े होते हैं और इस दौरान पति पत्नी के सर पर सजी ज्वेलरी आदि को हटाए नजर आता है और फिर इस वीडियो को टिकटॉक पर पोस्ट भी कर दिया जाता है। वायरल हो रही अधिकांश विकल्प में दुल्हनों के सिर पर हिजाब भी नजर आ रहे हैं। मैं चाहूंगी आप इस पर्टिकुलर क्लिप पर प्लीज नजर डालें। हालांकि इस ट्रेंड पर बैन लगाने की मांग भी उठने लगी है। जी हाँ, जो धार्मिक नेताओं का कहना है और मानना है कि ये चलन मान्यताओं के खिलाफ है, इसलिए इस पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। जो विरोध करने वालों में नेताओं के साथ साथ आम लोग यानी कॉमन मैन भी शामिल है। जो हाल ही में शादी के बंधन में बनने वाली मुस्लिम दुल्हन इली अली हा ने कहा है कि मुझे टिकटॉक पसंद है, मैंने इस प्लेटफॉर्म से काफी कुछ सीखा है, लेकिन मैं इस अजीब ट्रेंड के सख्त खिलाफ हूँ और कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तो मलेशिया के पश्चिमी तट पर पलिस राज्य में रहने वाले मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अंसारी भी इस ट्रेंड के सख्त खिलाफ हैं। जी हाँ, उनका कहना है और मानना है कि कैमरे पर पत्नी के सर से ज्वेलरी आदि हटाना उसे बेचने के समान है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम धर्म में ऐसी जो चीजें हैं उसकी अनुमति नहीं दी जाती है, आखिर कोई कैसे कर सकता है ये। वो चाहते हैं कि इस ट्रेंड पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए। वेल, अनबॉक्सिंग बाय हस्बैंड इस अजीब और गरीब ट्रेंड पर, स्पेशली द नेम पर, नेम ऑफ द ट्रेंड पर आपका क्या टेक है? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट ऑल दिस? आर यू इन सपोर्ट ऑफ इट और नॉट? डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डीएनपी इंडिया। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कीप लविंग अस, कीप शावरिंग योर लव, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग डीएनपी इंडिया।